Now the question is, how cyclists reduce friction? Okay, the answer is they use hard and narrow tires. ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं चाहिए आपको, रोलिंग फ्रिक्शन चाहिए, इसलिए आप टायर्स यूज़ करोगे हार्ड एंड नैरो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ दे वियर टाइट ड्रेस. जब वो टाइट ड्रेस पहनेंगे, ठीक है, तो एयर फ्रिक्शन रिड्यूस होगी. नंबर थ्री, दे बेंड देयर बॉडीज टू गेट स्ट्रीम लाइन शेप. वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड कर लेते हैं, उससे उनको ऐसी शेप अटेन हो जाती है जो दरमियान में इससे थिक होती है और पॉइंटेड में आपके हेड और फीट की तरफ, ठीक है, आपकी जो है वो थिन होती है शेप. तो स्ट्रीम लाइन शेप की सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि इट फेसेस मिनिमम एयर फ्रिक्शन. जब एयर में से पास करें, वाटर में से, स्विमर्स, व्हेन द स्विमर्स दे आर स्विमिंग इन द वाटर, दे फेस लेस फ्रिक्शन ड्यू टू द देयर टाइट ड्रेस, ठीक है, एंड देयर बॉडी. वो अपने हैंड्स को आगे की तरफ ले आते हैं, ठीक है, आगे ज्वाइन कर लेते हैं अपने हैंड्स को, तो उनकी भी एक स्ट्रीम लाइन शेप हो जाती है. एंड साइक्लिस्ट दे आल्सो बेंड देयर बॉडीज टू गेट स्ट्रीम लाइन शेप. ठीक है, इसी तरह स्पोर्ट्स कार हैं, ठीक है, जितनी भी, उनकी भी शेप इस तरह से होती है कि वो एंड से बिल्कुल पॉइंटेड होती हैं और दरमियान में से वो थिक होती हैं. ठीक है, दिस शेप फेसेस मिनिमम एयर फ्रिक्शन. दैट इज वाई साइक्लिस्ट, स्विमर्स, कार्स, ठीक है, दे आर ऑल मेड ऑन दिस प्रिंसिपल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.